हाई गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी उगादी का पचड़ी कैसे बनाते हैं। तो ये जो उगादी पचड़ी है, ये आंध्र में बहुत ज़्यादा फेमस है और उगादी के दिन इसे बिना बनाए कोई भी पूजा नहीं की जाती है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा उगादी पचड़ी बनाने के लिए एक बाउल, उसमें थोड़ा सा इमली डाल के अच्छे से धो लीजिए। 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे पानी में डाल के इसे सोक कर लीजिए। तो सोक करने के बाद हमें चाहिए होगा नीम के फूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे खिड़की से बहुत ही आसानी से ये नीम के फूल दिख रहे हैं और ये बहुत ही आराम से हम तोड़ भी सकते हैं। तो इसे तोड़ के हमें सेपरेट रखना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसे तोड़ के बगल में रख लिया है। अब इसमें से सारे फूल को अलग कर लीजिए। जो भी खिले हुए फूल हैं, सिर्फ उन्हीं फूल को आप सेपरेट कर लीजिए और इसे एक बार अच्छे से मैश करके इसमें जो भी छोटी छोटी पत्तियां हैं सफ़ेद वाली, उन पत्तियों को हमें सेपरेट करना है। तो इस तरीके से करने के बाद फूल की पत्तियाँ पूरी अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फूल के पेटल्स जो है हमने सेपरेट कर लिए हैं। अब एक सेपरेट प्लेट में बगल में रख लीजिए। अब एक बाउल ले लीजिए, इसमें इमली का पानी छान लीजिए। जो इमली हमने सोख करके रखी थी वो हमें छान के इस तरीके से रख लेना है। इसमें हमें आधा कच्चा आम को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ऐड करना होगा। इसकी वजह से बहुत ही अच्छा खट्टापन आता है, ये बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। और उसके बाद हम ऐड करेंगे जो भी हमने पेटल्स सेपरेट कर लिए थे, वो पेटल्स हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद मिठास के लिए इसमें ऐड किया जाता है गुड़। तो यहाँ पे 3 से 4 चम्मच गुड़ ऐड कर लीजिए और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, बस इतना ही दोस्तों। इसमें 5 ही 5 इंग्रेडिएंट्स जाते हैं और जो उगादी पचड़ी है वो इसी तरीके से बनाई जाती है और भगवान को चढ़ाने के बाद ही इसे हम लेते हैं। तो इसे बनाए बिना जो उगादी है ये बनती नहीं है दोस्तों आंध्रा में। तो आप भी अगर चाहते हैं तो डेफ़िनेटली ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जब तक कि गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता तब तक अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लगता है ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा और पानी ऐड करके सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ट्रेडिशन की ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।